तो तुमने फैसला कर लिया है? जी। तो ठीक है, एक ही बार सूली पर लटक जाओ। चार बंदे जो लाऊंगी ना निकाह के लिए, उसी के साथ रुखसती करके ले जाऊंगी बच्ची को। ये बात पहले कह देती तो हमने कौन सा इनकार कर देना था। सामिया को सैफुररहमान में कोई दिलचस्पी नहीं है, और रही बात सैफुररहमान की, तो वो ऑलरेडी किसी और लड़की में इन्वॉल्व है। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? तानिया, उस लड़के का क्या नाम है? हाँ, अली। वो हर जगह इकट्ठे नजर आ रहे होते हैं। अब सामिया का सिर्फ निकाह नहीं हो रहा, रुखसती भी होगी। What? और ये कारनामा फुप्पो साहिबा ने अंजाम दिया है। बेईमानी तो तुम्हारी फितरत में ही नहीं है, तुम तो उस लड़की से भी वफा निभाओगे। फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। जो बात दिल की दिल में ना रहे। अरे अम्मा, खैरियत? हम सबके साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं खाएंगे? आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा, जैसे स्कूल भेजते हुए खिलाती थी ना? बिल्कुल वैसे। फिर मेरी दो चोटियां भी करते। जरूर। क्या खबर फिर इसका मौका मिले ना मिले। अम्मा आप प्लीज रोइएगा मत। बेटी की तारीख तय हो जाए तो मां के आंसू तब तक नहीं रुकते जब तक बेटी लाल जोड़ा पहन के घर से रुखसत नहीं हो जाती। तुम जानती हो ना तुम मेरे दिल में रहती हो। जानती हूं मां। ये भी सच है कि हमेशा तुमने मेरी ममता की लाज रखी। मैंने तो कभी आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमेशा किया है, अब भी कर रही हूं। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में बहुत खदशे हैं, मेरे दिल में भी हैं। लेकिन इसके सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझता। मैंने राबिया को तुम्हारी तस्वीर भी दी थी और आलिया की भी, तो मुनासिब रिश्ता ही नहीं आया। अल्लाह गवाह है, अगर सैफुररहमान से एक भी बेहतर रिश्ता आया हो तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ। माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। सैफुररहमान सादा लड़का है, मुझे पता है वो जरीना के हाथ में है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम्हारा उसने सलूक उसको बदल देगा। मेरी जान, शुरू शुरू में मुश्किलें होती हैं, सब लड़कियों को होती हैं, लेकिन समझदारी और सब्र सब मुश्किलात को कम कर देती है। तुम तो वैसे भी मेरी औलाद में सबसे ज्यादा समझदार हो। मुझे पूरा यकीन है तुम कभी भी मेरा सर नहीं झुकाओगी। जी अम्मा। एक बात और कहना चाहती हूं, उस घर जाओगी तो वहां जाके इस घर की कोई बात ना करना, और जब खैर से यहां आया करोगी तो अपने ससुराल की कोई बात यहां ना करना। जी अम्मा। चलो खाना खा लो और फिर तेल लेकर आती हूं और तुम्हारी अच्छे से मालिश करती हूं सर की। ये लक्का कबूतर बन के किधर पहुंचा हुआ था तू? मम्मी, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। कहाँ मिलने गया था? कौन सा दोस्त? वो ऑफिस में होता है ना मेरे साथ। अपने ऑफिस के दोस्त को बता दे
कि अगली जुबे को तेरी बारात है, वरना फिर मैं सुनाऊंगी अपनी जबान में तो फिर तुझे बुरा लगेगा। और ये बता, ये मुंह छुपा के किन वक्तों में निकल गया, मुझसे इजाजत भी नहीं ली। मुझे देर हो रही थी। अरे देर हो रही थी, कॉफी पेंसिल ला, चल इधर मेरे साथ। मम्मी। अरे मिन मिन आने की जरूरत नहीं है, चल। मम्मी यार। हाँ, बारात और वलीमा, और खर्चा भी लिख देना ऊपर, खर्चा। मम्मी आप मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हैं और उस लड़की की भी। किस लड़की की बात कर रहे हैं, सामिया की या अपनी छम्मक छल्लो की? देख, कोई भी उल्टी सीधी हरकत की होगी ना तो मैं तुझे बताऊंगी कि बर्बादी होती क्या है। चुपचाप खर्चा लिख, चल। बारात में होंगे 25 लोग और वलीमे में 50 से 60, बस बहुत है। बारात में यह है कि ज्यादा लोग ना हो, अपने होने चाहिए बस 4-5 लोग, बस 25 लोग बहुत है, से ज्यादा लोग नहीं बुलाने की जरूरत। लेके जाएं लड़की वालों को भी बोझ पड़ता है। मम्मी! अरे सैफ, अरे सैफ, अरे हाय, कहाँ चला गया, ऊंट की तरह कहाँ भागा चला गया। अरे सैफ, क्या सोच रहा है? जिन ख्यालों में तू है ना, इज्जत इसी में है कि उन ख्यालों को दफन करते हैं। मम्मी वो मैं। क्या नहीं मम्मी, ये वो मैं, बस साम्या और सिर्फ साम्या। चल लिख, क्या क्या लिखा बता मुझे। बारात में 25 लोग आएंगे, वलीमे में 50 से 60 लोग, हाँ। वन डिश और मीठे में कोल्ड ड्रिंक। हाँ ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक हर एक को एक देनी है, फी बंदा एक। और जो बच्चों वाली माए उनको तो देनी ही एक है, आधी खुद पिए आधी बच्चे पिए। और ये बुला वहीदुद्दीन को, नाम लिख, नहीं नहीं रहन दे, उसके 4 बच्चे हैं। मासूमा को बुला लेना, वो बेवा है, उसके साथ कोई नहीं। चल लिख नाम, अब्दुल रहमान नहीं, उसके 4 बच्चे, मासूमा, बेवा और एक बोतल बच्चे वाले को। यास्मीन राशिद कहती हैं फजल रहमान ने जो जबान इस्तेमाल की उस पर भी FIR दर्ज कराई। अब्बा, पाकिस्तान में कोई खात, आप जाग रहे? सैफ कह रहा था कि आप सो गए। तो क्या उस गधे के साथ बैठ के गपशप लगा? मुल्क भर की खवातीन एहतजाज करेंगी। अब्बा वो गधा नहीं है। हाँ, गधे ज़हीन होते हैं और कारामद। क्यों आया था? शादी हो रही है उसकी। बहुत अफसोस हुआ। किस लिए? किसी शरीफ आदमी की बेटी की किस्मत फोड़ रहा है। चंद महीने नहीं चलेगी ये शादी, लिख कर रख लें। और भाग कर कोर्ट में शादी का क्यों कह रहा? ख्वाहिश कर रहा था अब्बा, अब इतना तो वो कर ही सकता है। वो ज़हनी मफलूज शख्स इतना भी कर ले तो गनीमत। अब्बा मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि उसके लिए ऐसी बातें ना करें। वो आपकी कितनी इज्जत करता है, आपका ख्याल करता है, और आप उसे सिर्फ बेइज्जत करते रहते हैं। अरे हैं उसके करतूत ऐसे कि उसकी इज्जत की जाए? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लड़का नहीं देखा, पता नहीं तुमको उसमें क्या नजर आता। ओबीडियंस, जो दूसरे मर्दों में नहीं होती। ऐसे मर्द अपनी बीवियों की हिफाजत नहीं कर सकते। और आप जिस मर्द अब्बा, तुम भूल नहीं सकती उसको। आप भूल गए? कल आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, सैफ आपको लेके जाएगा। बहस मत कीजिएगा, चले जाना। राजा जी, पिंडी जुलसा मैच तक सा बर्तानवी हाई कमिश्नर रिक्शे में सवार होकर टेस्ट मैच देखने निकले। पैसेंजर इतने परेशान क्यों हैं आवा जी? मैंने सामिया की तकरीबन हर चीज तैयार करके रखी है। अब खाने का मसला है ना, तो मैं 6 में से 4 चूड़ियां बेच दूंगी अपनी। हमने तो इतने इतने कड़े वक्त साथ में देखे हैं, ये भी गुजर जाएगा। आप बस ऐसा कीजिए कि आप अपनी बेटी की अच्छे नसीबों के लिए दुआ कीजिए। इसे मैं सोच रही थी, अल्लाह भला करे आपकी बहन का, 2 टोक बात करके सारा मसला ही हल कर दिया। काश आप भी थोड़े से उसके जैसे होते।
की बात कड़वी लगती है ना। मेरे तो शाही टुकड़े बना के रखे हैं फ्रिज में, ठंडे ठंडे, खाएंगे ना? अभी लेकर आती हूँ। Isn't it too late to get into this? Late तो है मगर इतना नहीं। We can pull some strings. Trials कब से हैं? एक महीना है अभी। Yes. Next month on this 14. Okay. I'm in. Let me know how much we have to invest. ठीक है। बोर्ड से बात करते हैं। Oh, hi. Hello. Long time. Yeah. Tea, coffee, anything? Anything. Okay. Come. This is your anything. Thank you. Like you asked, and coffee for me. Since you know I'm a coffee person. So, tumhara hotel kahan tak pahuncha? Final stage par hai. मैंने तो ये भी सुना है कि तुम कोई क्रिकेट टीम ले रहे हो। हाँ वो भी, सारी खबरें पहुंच जाती हैं तुम्हें। पहुंचाता कौन है? भाइयों तुम मेरे, आफ्टर ऑल तुम पर नजर रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस इक्वेशन में शादी कहाँ है? जिस तरह की शादियां मैंने अपने घर में देखी हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचने वाला कोई पागल ही होगा। एंड लुक एट यू, कितने साल चली तुम्हारी शादी? 3 साल, इफ आई एम राइट। मुझे तो हैरत होती है कि किस किस्म का खून है हमारा। खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। अब देखो तुम भी तो यहां अपने बेटे के बगैर रह रही हो ना। उसकी एजुकेशन वहां बेहतर तरीके से हो रही है। स्पॉट ऑन। पता है यही बात मुझे बाबा ने कही थी और उसके बाद मुझे छोड़ दिया बोर्डिंग स्कूल में। सन दिस इज फॉर योर फ्यूचर, यहां पढ़ाई बेहतर होती है। मैं यहां जहन को ले आऊंगी। ओके? कब? जब वो तुम्हें भूल जाएगा। अवल तो उसे इस बात का यकीन नहीं आएगा कि तुम उसकी माँ हो, उसके लिए बेहतर सोचती हो। और फिर उसे मेरी तरह ही ये घर एक बोर्डिंग स्कूल लगेगा। कोल्ड and feelingless. खैर तुम पेरिस वापस कब जा रही हो? 3-4 महीने तक। तब तक उसके फाइनल एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बाबा बनती जा रही हो। पैसे और प्रॉपर्टी के अलावा किसी चीज की अहमियत नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम बाबा के बारे में इतना नेगेटिवली क्यों सोचते हो। वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। तुमको तो अंदाजा भी नहीं है कि वो तुमसे। Let's not go there, Sarish. Look, मुझे तुम्हारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है। Sarish, I hope you know, इस जमीन की बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है। Sarish, ये मेरी माँ की जमीन है। ये पापा और तुम्हारा मामला है। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो पापा ने मुझसे करने को कहा है। And he's using you like a pawn. Sarish, don't get involved in this. पापा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस जमीन पे हाउसिंग स्कीम बनाने का प्लान मेरा था। मैं बहुत महीनों से इस पे काम भी कर रहा हूँ। फिर से यही कहूंगी कि तुम इस बारे में बाबा से बात करो। एंड ट्रस्ट मी असवर, एक बार तुम उनको कन्विंस कर लो तो वो ये जमीन तुमको दे देंगे। कन्विंस हिम अबाउट व्हाट? कि वो मुझे मेरी माँ की जमीन दे दे, वो जमीन जिसमें मेरा हक है। उनसे तो अब मेरा लॉयर बात करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट असवर? अब केस करोगे तुम उन पर? हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट? ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग जन जर जमीन के लिए बहन देखते हैं ना बाप। असफर, इनफ। आई एम गिविंग यू अ वीक। कंसीडर दिस अ फ्रेंडली वार्निंग। और इन
इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, मैं और सहर शाह जी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे। बहुत शुक्रिया। बाबा प्लीज डोंट डू दिस। इस तरह तो असफर को और भी यकीन हो जाएगा कि आप मुझे इस पे प्रेफर करते हैं। तो क्या करूं, कोर्ट जा रहा है, मुझे उससे पहले इस जमीन के मामले को सेटल करना है। तो बाबा फिर मुझे भी ना दीजिए प्लीज। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं मलीर वाली जमीन पर काम शुरू कर देती हूँ। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? पापा वो हमसे पहले ही इस जमीन पर हाउसिंग स्कीम की प्लानिंग कर चुका है। नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे बात किए बगैर नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है इस बार वो गलती ना करे, और वैसे भी ये जमीन उसके लिए इमोशनल वैल्यू रखती है, वो इस जमीन को जाया नहीं होने देगा। हो सकता है, लेकिन मुझसे बात तो करता, मुझे कन्विंस करने की कोशिश तो करता। कुछ दिन पापा, बाबा किसी तरह कुछ दिन आप इंतजार कर लीजिए प्लीज। जमीन एक दफा तुम्हारे नाम हो जाए, तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुम करना। अब्बा क्यों करते हैं इसे? किसी से भी कह देते, कोई भी लगा देता बटन ना दे मुझे। अरे क्यों कह देता मैं किसी से कि मैं कर नहीं सकता ये काम? पहली दफा थोड़ी कर रहा हूँ। आपका काम नहीं है ये। मैं किस किताब में लिखा है कि ये काम मेरा नहीं? ये मेरी किताब में लिखा है अब्बा। तानिया के होते हुए अब्बा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तुम अपनी वो किताब ला के जरा मुझे पढ़ाना, हो सकता है उसमें ये भी लिखा हो कि फिल्में बनाना तानिया का काम नहीं है। अच्छा अब्बा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना मुझे टेक्सिला जाना, 2 दिन में आ जाऊंगी वापस। अल्लाह खैर। तो ये तो मुझे बताने आई हो या मुझसे इजाजत लेने आई? क्या हो गया अब्बा, इजाजत लेने आई हूँ। अपनी अम्मा से तो इजाजत ले ली होगी तुमने? मना कर चुकी हैं वो मुझे। तो जाना क्यों जरूरी है? पा जाना जरूरी है, इसके बगैर एग्जाम पास नहीं कर सकती। तो ये बात तुमने अपनी अम्मा को समझाने की कोशिश की? उनकी समझ में मेरी कोई बात नहीं आती। तो देखो बेटिया, अगर तुम उन्हें बाईपास करने के लिए मेरे पास आई हो तो इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और उनकी इजाजत के बगैर तुम जा नहीं सकती। तो आप दिलवा दीजिए ना इजाजत। इधर दो, खुद लगा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं पहले इनकार कर चुकी हूँ। वो कहाँ गया, वो पकड़ाइए जरा कपड़ा। बच्ची के साल भर की मेहनत जाया हो जाएगी शम्मा बेगम। मेरी बला से ये बहुत चली है, वहां पे जाके कश्मीर पे झंडा गाड़ेंगी। पहली दीदा इस कदर हवाई हो रही है, घर पर टिकती नहीं है, और अब शहर से बाहर जाएंगी। अम्मा अकेली थोड़ी जा रही हूँ, अली भी तो साथ जा रहा है। ओफो, ये चीनी कहाँ गई, अभी तो यहाँ देखी थी मैंने। तो क्या मैं साथ में चला जाऊँ इसके? क्या क्या कहा आपने, पीछे हटिए। साहबजादी तो साहबजादी है, बाबा साथ जाएंगे। तो फिर साहबजादी को जाने दीजिए। जाओ भाई जाओ, पीछा छोड़ो हमारा, जाओ। और अब अगर कोई नया चांद चढ़ाया, आपकी जिम्मेवारी होगी आगा जी। वापस कब आओगी? 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। कसम खुदा का, खा खा कर दिमाग पर भी चर्बी चढ़ गई है तुम्हारे। भैया गलत बात है, मेरी बच्ची के खाने पीने के बारे में बात के बगैर तो लगता है आपका अपना खाना हजम नहीं होता। आगा जी, परसों मुझे सामिया को असर के बाद माइयों बिठाना है, आपको याद है? कल के कल वापस आ सकती हो तो जाओ, वरना आराम से घर पे बैठो। अम्मा एक दिन में कैसे वापस आऊंगी? आ जाएगी, आ जाएगी। क्या तुम यहाँ से निकलने की करो ना, जाओ जाके पैकिंग करो।
बात की बात में देखी जाएगी। चलो शाबाश जाओ, बता तो दो क्या पकाया है। आप एक काम कीजिए, फामे आप ही को रुखसत करते ही मुझे बेरुखसत कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो, वरना मैं तो फौज के आया हूँ, सारी उम्र आपकी खिदमत करूँगा। आप महात्मा बुद्ध, मैं आपका भिक्षु। कैंडी में कहना था टीम कैसी रही? गच्छन कहीं सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। तुम आज भी कहाँ पे जा रही हो? आज कोई खास दिन है? भाई तुम्हारी बहन परसों माइयों बैठ रही है, घर में इतना काम है। मुझे भी तो बहुत काम है पप्पो, मुझे शादी के लिए कपड़े बनाने हैं, प्लीज कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा जल्दी आने की कोशिश करूँगी। इतनी बेहानक शक्ल बनाओगी तो मैं अकेली चली जाती हूँ, ठीक है? अच्छा अम्मा के साथ चली जाना, उनको भी शॉपिंग करनी है। खुदा का खौफ करो, तौबा करो। ओ भाई रुको जरा, ये कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अपने घर में घुस रहा हूँ, शकील नाम है मेरा, जानती नहीं हो? जाओ जाकर आगे जान को बुलाओ। एक मिनट एक मिनट, इतना जोर जोर से चीख चीख के बोल रहे हो, पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा तुम्हारा नाम। आगा जी घर पे नहीं है। I don't care, आगा जान को बुलाओ। ठहरो यहीं पे, बुला के लाती हूँ आगा जी को। जाते हैं कहीं से। आगा जान को बुलाओ। शकील अस्सलामुअलैकुम फुफो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी भी ठीक हैं, अब्बा भी ठीक है, बस आप बीच में ना बोलिएगा। आगा जान को बुलाओ। ये क्या उल्फुल बोले जा रहे हो? मीना जल्दी से ग्लास पानी लाओ, दमे आखिर पे लग रहा है बेचारा। आगा जान को बुलाओ। या अल्लाह घर है या औरतों का जलफा? क्यों आए हो यहाँ बगैर बताए? रजिस्ट्री से इत्तला भिजवाई, लगता है पढ़ी नहीं। फौरन से पेशतर अपना सामान उठाओ और यहाँ से गायब हो जाओ, वरना इतने जूते रजिस्टर करूंगी कि गिनती भी भूल जाओगे। फुफो जरा इनको समझाइए, मैं मालिक मकान हूँ, मालिक मकान से इस तरह बात नहीं की जाती। तुमने अभी तो मना किया था कि बीच में ना बोलूं। भाभी फौरन जूता उठाइए। एक मिनट, फुफो कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं फिर से मकान का हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं आपका भतीजा भी हूँ। मैं मीना जरा वो जाले साफ करने वाला डंडा तो लेकर आना। एक मिनट मीना, क्या हो गया है? पप्पू ये ज्यादती हो रही है मेरे साथ, मैं रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ हराफा किए जाने की? हाँ तुम जाके रिपोर्ट लिखवाओ, और मैं तुम्हारे अब्बा को अभी फोन करके बताती हूँ कि उनका लखते जगर अभी तक तो जिंदा है, यहाँ रहा तो उसके मुस्तकबिल की कोई जमानत नहीं। मीना इसका सामान उठाओ और गेट से बाहर फेंक कर आओ। ऐसे कैसे गेट से बाहर? किसी ने मेरे फाबान को हाथ लगाया मैं यहीं खड़े खड़े जान दे दूंगा? ये मेरे दादा हुजूर का घर है, मैं इस घर की खातिर कुछ भी कर जाऊंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, फर कटवा दूंगा, शहीद हो जाऊंगा मैं, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है, ये देखो। बस भाभी मैं अभी तुफैल भाई को फोन करके बताती हूँ कि उनका लाडला हिस जान बके जा रहा है, किसी हॉस्पिटल में इसको जमा करें। पप्पू ऐसा ना कीजिएगा, आपको मरहूम फफदर फुफा की कसम, आप मुझे यहीं कहीं पड़े रहने दें, अब्बा का गुस्सा खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अरे सरेश डोंट वरी, बस आप डील फाइनली समझें। हाँ बस मैं अभी जा रहा हूँ। जी जी जी, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ। ओके ना सही, कार मैकेनिक तो बना दिया मैंने, से तो यही काम करे ना।
प्रॉपर्टी का काम छोड़कर मेरी जान छोड़े। समंदर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो चहलकदमी करने चले? इतना फारिग नहीं हूँ कि पागलों के साथ चहलकदमी करूँ। तुम इस गाड़ी को टाइटैनिक समझ के समंदर बुक कर दो और साथ में खुद भी कूद जाओ। तो अपनी रोज रोज को क्यों नहीं डुबो देते समंदर में? इसको चलाने के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। कपड़ा मिलेगा? ऐसे तेरी नजर आ रही है। क्या मतलब? चलो जबान तो चली, गाड़ी चले ना चले, वरना मुझे तो लग रहा था सहरिश वाले साथ मैंने जबान ही छीन ली। क्यों समझाओ यहाँ से, चलो। कभी ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी गाड़ी ठीक किए बगैर गया हूँ मैं। सवाल कुछ की बात है, वैसे आजकल इतनी नेकिया कैसे कर रही हो? कौन सी नेकिया? मेरे काम नहीं बिगाड़ रही, मेरे क्लाइंट्स नहीं घेर रही, माफी जुबैदा की बैटरी फेल हो गई है। एक्सक्यूज मी, कौन माफी जुबैदा? वो अपने मुंह से सब कुछ खुद बता चुकी है। हाँ ऑब्वियसली, जब तुम उसे पैसा दोगे तो वो तो कुछ भी कह देगी ना। और तुमने तो जैसे उसे जन्नत की हूरों का लालच दिया ना, शर्म नहीं आती तुम्हें गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए? वैसे मैंने ऐसा किया नहीं है, और अगर किया भी तो उस गरीब औरत को जो तुम तनख्वाह देते हो ना, उससे ना एक वक्त की रोटी भी नहीं आती। ओके, कैन वी मेक अनदर डील? कैसी डील? खत्म करते हैं लड़ाई, दोस्ती कर लेते हैं। अच्छी डील है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के मामले में काफी सिलेक्टिव हूँ। अब तुम किसी भी जावी से इस काबिल हो। मगर मुझे तुम कुछ कुछ काफी लगने लगी हो। घर में कोई कमरा तो खाली है नहीं, अब कहाँ ठहराऊं इस बदबख्त को? अम्मा स्टोर रूम में इतनी जगह तो है कि एक बेड तो आ जाएगा। हाय अल्लाह, दम घुट जाएगा गरीब का स्टोर रूम में, पहले ही सांस उखड़ती है बात करते हुए। सहन के पास जो कमरा है वो तो चौकीदार का है। तो क्या हुआ, खाली है, चौकीदार तो है नहीं? तो फैल को पता चल गया ना कि हमने उसके सपूत को चौकीदार के कमरे में ठहराया है, तो 100-100 बातें सुनाएगा। मैं तो कहती हूँ तो फैल को फोन करो और उससे कहो कि आके इसको ले जाए बस। अम्मा तो फैल चाचा अगर आ गए ना तो शादी तक यहीं रुके रहेंगे, क्या पता वो भी वापस ना जाए, यहीं टिक गए तो क्या होगा। हाय अल्लाह ना करे। मैंने तानिया के कमरे में अपना सामान रख दिया, तो इतना बड़ा कमरा उसके किस काम का? पागल हो क्या कह रहे हो, देखो देखो जाओ रोको उसको। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने अपना बंदोबस्त खुद ही कर लिया है। कैसे हो धानी मियां? किसी दुश्मन ने कोई बुरी खबर पहुंचा दी क्या? काश, सामिया की शादी हो रही। आई नो, आलिया ने बताया था। हाँ, सारी खबरें रखते हो। दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। तो फिर दुश्मनों से सलाम दुआ भी नहीं करते? हटो सामने से, हटो।
अरे संभल कर, हर बार मैं नहीं संभालूंगा। आइए आइए प्लीज। पैराडोल दे दीजिए प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस? इतनी जल्दी? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। इसी आलिया, मुझे कीमती इंसानों और कीमती पत्थरों की पहचान है, और ये मुझे जहाँ भी मिले मैं उन्हें जाने नहीं देती। रीड इट थरली। कुछ चेंजेस करवाने हो, कुछ ऐड करना हो तो बता दो। तुम्हारी बहन की शादी कब हो रही है और क्या नाम था उसका? साम्या। नेक्स्ट सैटरडे को है इंशाल्लाह। ओह, यानी एक हफ्ते बाद। जी ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। थैंक यू। आपकी डील लॉक होगी? दैट पुअर गाय इज स्टिल वर्किंग ऑन इट। और जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, हाउसिंग स्कीम पे भी काम शुरू नहीं हो सकता। वो इतना बुरा नहीं है वैसे, काम जानता है। तुम अपना बयान बदल रही हो। उस वक्त बिजनेस राइवल था, अब नहीं है। ओके आई सी। शम्मो इतनी दफा कहा है कि नुस्खे के साथ दवाइयां लेने के लिए भेजा करो, अजीब अजीब नाम बताता रहा मैं वहां दुकानदार को। अब देख लो आके। इनसे मिलिए, आपके भतीजे घर पर कब्जा करने आए हैं सामान समेत। अस्सलाम वालेकुम ताया अबू। वो मजाक कर रही थी, मैं तो शादी में शरीकों के लिए आया। किसने बुलाया तुम्हें? किफी ने नहीं, किफी ने भी नहीं, मैंने खुद सोचा अपनी अकल से कि घर में फौ काम होंगे, आप अकेले हैं कैसे करेंगे। मैं खाना बनवाऊंगा, मैं शामियाने लगवाऊंगा, मैं कुर्सी में लगवाऊंगा, मैं ढोलक बजवा दूंगा। किसने कहा कि मैं अकेला हूं? मेरी एक बेटी तुम जैसे 10 लड़कों के बराबर है। उठाओ अपना सामान और चलते फिरते नजर आओ, चलो निकलो। अपनी बहन की शादी में शरीक हुए बगैर मैं लाश वापस जाएगी यहां से। अभी पूरी करता हूं तुम्हारी ये मरने की ख्वाहिश। शम्मो बंदूक लाना मेरी। नहीं शम्मो। आप जानते हैं मेरा सांस का मसला है, मेरा दिल का मसला है, ऐसी बातें तो ना करें। आप सोचें, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, शादी कैफे होगी, ताई जान बिला वजह परेशान होंगी, फामिया आप ही कितना रोएंगी। आप एक काम कीजिए, फामिया आप ही को रुख्सत करते ही मुझे भी रुख्सत कर दीजिएगा, अगर आप चाहें तो। वरना मैं तो फौज के आया हूँ, सारी उम्र आपकी खिदमत करूँगा। आप महात्मा बुद्ध, मैं आपका भिक्षु। तुम्हारी एक ही रजिस्टर ने हमारी बहुत खिदमत कर दी है, मजीद किसी खिदमत की जरूरत नहीं हमें। एक मामूली सी रजिस्ट्री की वजह से आप मेरी नियत पे शक कर रहे हैं? आप हुक्म कीजिए, अभी पुर्दा पुर्दा किए देता हूं उसे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह गवाह है खुलूस दिल से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और मुसलमान जो होता है वो तो काफिर को भी पनाह दे देता है अपने घर में। ताईजान थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए, क्या चला जाएगा आपका। खबरदार जो तुमने मुझे ताईजान कहा, तो फैल से कहिए आए और आकर अपना माल गनीमत ले जाए यहां से। हाँ हाँ कीजिए फोन, वो आए तो वो टिक जाएंगे। मैं तो फिर भी शादी के बाद चला जाऊंगा, फैसला आपका है। थोड़ा थोड़ा दिल पफीज रहा है ना ताया अबू, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तुम एक शर्त पे यहां रुक सकते हो कि तहरीरी बयान दोगे कि तुम अपने तमाम हुकूक से दस्तबरदार हो रहे हो और आइंदा कोई दावा नहीं करोगे। बिल्कुल जैसा आप कहेंगे।
लेकिन उर्दू मुश्किल है, लिखने में दिक्कत होगी, कल परसों तक लिख के दे दूं। ला हौले वला कुव्वत। दीपक क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया तूने? क्या हुआ है? तू मां से कहना मैं स्कूल जाऊंगा तो पढ़ाई भी कर लूंगा और तंग भी नहीं करूंगा आइंदा। माँ अब नहीं सुनेगी। फिर मैं भी दुकान पे नहीं जाऊंगा। दीपक लियाकत दर्जी तुझे मारता है? कह दिया ना मैंने, मेरे को नहीं जाना उस दुकान पर, मेरे को किसी बंगले पे ही लगा दे। अच्छा दीपक क्या हुआ है, कोई तुझे कुछ कहता है? मेरी मुन्ने बहन को पता, क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरा मुन्ना, क्या हुआ है दीपक, बोल ना दीपक। इसे क्या हुआ? दुकान पे नहीं जाना इसने। चाची भी तो पागल हो गई है, सारी दुनिया को पता है लिया कदरजी का, कोई कारीगर उसकी दुकान पे नहीं टिकता उसकी मारपीट और गाली गलौज की वजह से। क्या करेगी अम्मा, अब्बा का नहीं पता तुझे, किस तरह संभालेगी सारा खर्चा? चल तू फिकर ना कर, तू स्टार बन गई ना फिर देखना दिन बदल जाएंगे। मोबाइल पकड़ लिया अम्मा ने, वीडियो भी देख लिए। बहुत मार पड़ी होगी तुझे। कहा तो नहीं है लेकिन तुझे नहीं छोड़ेगी, तेरी हड्डियां तोड़ने का ऐलान किया। हाँ थोड़ा गुस्सा करेगी पर तेरे लिए सहलूंगा। खैर जरा ये तो देख। हाय माँ कितनी अच्छी वीडियो बनी है, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अब होगा जब अपन इससे भी अच्छी वीडियो बना के डालेंगे, बस थोड़ा मेकअप शेकअप और लश कपड़े हो जाए ना, उद्धम वीडियो बन जाएगी। मेकअप तो है मेरे पास लेकिन कपड़े। अरे है ना मेरा दोस्त खालिद, कपड़ों की शॉप पे काम करता है, बस बैरिया टाउन जाना पड़ेगा। अम्मा छत तक तो जाने नहीं देती, तेरे साथ बैरिया जाएंगे। हो रही है ना सामी बाजी की शादी, चाची रुकेगी उधर 2-4 दिन, उस टाइम पर चलेंगे ना। तू और तेरे प्लान। अरे मैं बता तो रहा हूँ चलेंगे उस टाइम। एक मासूम और सीधी सादी लड़की का हक मारकर पिज्जा खाते हैं, तुझे शर्म तो नहीं आ रही? सहरेश के घर की डील फाइनल हुई है और ये पिज्जा उसी की खुशी में, आलिया की मासूम है तो खराज तहसीन पेश करने के लिए नहीं। ओके मुझे ना मुस्तकबिल करीब में तब्दीली नजर आ रही है यार, कुछ और बात कर दीजिए। चल फिर सुन नई बात। एक नई हाउसिंग स्कीम शुरू हो रही है। अच्छा कहाँ? हाईवे पे। और ये जो तेरी मैडम सहरेश हैं वो बना रही हैं और आलिया मैडम उन्हें ज्वाइन कर चुकी हैं। ये कंफर्म बात है? ये भी तुम्हारी माती जुबैदा की कहानी है? 100% कंफर्म बात है। मैं तुझे पहले ही कह रहा था उसे अंडर एस्टिमेट मत कर। इसीलिए उसने सहरेश की डील को इतनी आसानी से जाने दिया। ओए ओए। और तुम कह रहे थे वो बहुत मासूम है, सीधी सादी है। चलिए भी कहीं की लेट्स सी मैं क्या करता हूं।